हेलो एवरीवन आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हीमोस्टेसिस हम इसकी स्टेप के बारे में बात करेंगे हमने इसकी जो फर्स्ट टू स्टेप्स है यानी कि वैसो एंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन वो हमने इसके पार्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आप जरूर जाके देखना अब कंटिन्यू करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ हिमोस्टेस अब हम जो तीसरे स्टेप पर आते हैं वहां पर हम एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए देखते हैं इसलिए हमने तीसरी स्टेप को डरी कहते हैं ट्वेल्व भी होते हैं एक नहीं होता एक्चुअली एक एग्जिस्ट नहीं करता बट वी नंबर सबसे पहला होता है फाइब्रीनोजन सेकेंड होता है प्रोथ्रोम थर्ड होता है टिश्यू थ्रोबोप्लास्टिंग फोर्थ होता है कैल्शियम आयन फिफ्थ होता है प्रो एसिल्जिस्ट नहीं करता

हमें स्टूअर्ड प्रोअर फैक्टर यानी कि हमारे फैक्टर को एक्टिवेट करना पड़ता है है ना फैक्टर को एक्टिवेट करना पड़ेगा उसके बाद उसे एक्टिवेट करने के बाद हमें हमें प्रोथ्रॉम्बेन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर ये थ्रोम्बिन हमारे फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा अब ये जो पहले प्रोसेस होती है एक्टिवेशन ऑफ स्टूअर्ड प्रोअर फैक्टर इसको करने के दो तरीके होते हैं दो, एक है है दो है. है आपकी कोई आपके वेसल के अंदर डैमेज होता है, है ना कई कई बार होता है ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड सेल्स काफी फास्ट घूमते हैं तो वो हल्की सी जो एंडोथिलियम है उसको डैमेज कर देते हैं उसको निकाल देते हैं मतलब कोई तो इंट्रावास्कुलर इंजरी uh, होती है और एक्सट्रेंसिक तब होता है जब ब्लड हो उसे बाहर की तरफ आता है जैसे कहीं आपकी ब्लड वेसल रप्चर होगी तो उसके कारण से क्या होगा ब्लड बाहर टाइम जो यहाँ पे क्या करेंगे अप्लाई uh, होंगे है ना अब इन दोनों प्रोसेस को इसको समझते हैं स्टार्टिंग विद सबसे पहले इंफ्रेंसिक एक्सट्रेंसिक मेन गोल क्या है हमें बनाना है टेन ए ठीक है हमें बनाना है टेन ठीक है अब इंट्रेंसिक में क्या होता है इंट्रेंसिक मैंने जैसे आपको कहा कि क्या होगी कोई वैस्कुलर इंजरी होगी ठीक है इस वैस्कुलर इंजरी के कारण क्या होता है जो एक्सपोस्ड कोलेजन है वो कांटेक्ट में आता है प्लेटलेट्स के और क्लॉटिंग फैक्टर्स के तो जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है उसके कारण क्या होता है जो ट्वेल्थ फैक्टर होता है वो कन्वर्ट होता है ट्वेल्थ ए में यानी कि एक्टिवेट हो जाता है ए यानी कि एक्टिवेटेड फिर ये ट्वेल्थ क्या करता है ये इलेवेंथ को एक्टिवेट करता है ठीक है जो जब इलेवेंथ एक्टिवेट हो जाता है तो इलेवेंथ क्या करता है नाइन्थ को एक्टिवेट करता है ठीक है नाइन्थ को एक्टिवेट करता है और अब ये जो नाइन्थ होता है ये क्या करता है ये टेन्थ से टेन ए को टेंथ वाले को एक्टिवेट करता है तो बेसिकली हम टेंथ से टेन ए पर आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको नाइन्थ एक्टिवेटेड फैक्टर के अलावा भी कुछ चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ती है वो दूसरी चीजें क्या होती है जैसे आपको फॉस्फोलिपिड लगेंगे आपको कैल्शियम आयन लगेगा और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपको एथ एक्टिवेटेड फैक्टर कौन सा एथ एक्टिवेटेड फैक्टर की आपको जरूरत पड़ती है ठीक है तो ये तो था इंटरसिक के बाद अब चलते हैं extrinsic. Extrinsic में अगेन हमें यहीं पर ही आना है हमें अगेन यहीं पर ही आना है हमें आना है, हमें आना है हमारे टेंथ वाले पे तो अब ये कैसे हुआ इसके लिए किसने किसने रोल यहाँ पर प्ले किया वो किया भैया हमारे सेवेंथ uh, वाले ने सेवेंथ फैक्टर जो था उसने यहाँ पे रोल प्ले किया जस्ट अ जैसे हाँ तो यहां पे क्या हुआ जो सेवेंथ फैक्टर था उसने यहाँ पे क्या किया 7th factor हो गया ठीक है और वो वो ने 10th को 10th factor को किया लेकिन ये कैसे हुआ हुआ तो इसलिए क्योंकि जब आपका टिश्यू का डैमेज हुआ टिश्यू डैमेज के कारण एक सब्सटेंस रिलीज हुआ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और इस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी कि टिश्यू फैक्टर का जो रिलीज होता है उसके कारण आपका सेवेंथ फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है तो हम तो आ गए फैक्टर तक टेंथ वाले तक आ गए अब हमें कहानी बढ़ानी आगे ठीक है यानी कि अब हमें क्या करना है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है तो अब हम इस टेंथ एक्टिवेटेड फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे और प्रोथ्रोम्बिन को हम कन्वर्ट करेंगे थ्रोम्बिन में लेकिन यहाँ पर अगेन सिर्फ टेंथ ए एक्टिवेटेड फैक्टर के अलावा भी अगेन हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी वो क्या जरूरत पड़ेगी अगेन फॉस्फोलिपिड्स की जरूरत पड़ेगी हमें कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर की जरूरत पड़ती है फिफ्थ एक्टिवेटेड फैक्टर ठीक है तो ध्यान में रहे, यहां में रहे पर एक्टिवेटेड है वाले और ओवरऑल में यहां पे फिफ्थ एक्टिवेटेड फैक्टर है और इन चारों चीजों के कॉम्बिनेशन से हम प्रोथ्रॉम्बिन को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू थ्रोम्बिन और अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा ये फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में ठीक है तो अब इस थर्ड स्टेप की तरफ आता अब थर्ड स्टेप में यानी कि हम क्या कर रहे हैं फाइब्रिन Fibrin को फाइब्रिनोजेन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी तीन स्टेप्स होती है देखिए सबसे पहले क्या होता है प्रोटियोलाइसिस होता है सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन का जो सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन है वो कन्वर्ट होता है और क्या होता है फाइब्रिन के मोनोमर्स बन जाते हैं ये क्या बनता है ये एक मोनोमर फॉर्म में बनता है पहले पहले सोल्यूबल मोनोमर्स बनते हैं सोल्यूबल मोनोमर्स का स्टेबलाइज होकर वो इनसोल्यूबल में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद उनमें क्या हो जाती है क्रॉस लिंकिंग होती है इस यहां पर रखे हुए फ्लो चार्ट से फटाक से एक बार देख लेते हैं क्या होगा फाइब्रिनोजेन होगा ये फाइब्रिनोजेन को हमें फाइब्रिन में कन्वर्ट करना है सबसे पहले क्या बनेंगे सोल्यूबल फाइब्रिन मोनोमर्स ये फाइब्रिन मोनोमर्स क्या करेंगे एग्रीगेट करके बनाएंगे थिंक फाइब्रिन फाइबर्स विच विल इमीजिएटली कन्वर्ट इन टू इनसोल्यूबल फाइब्रिन पॉलीमर्स एक बार इन सोल्यूबल फाइब्रिन पॉलीमर्स बन गए उसके बाद क्या हो जाएगी इनमें क्रॉस लिंकिंग होगी क्रॉस लिंकिंग करना क्यों जरूरी है कि आपको भी पता है कोई भी चीज अगर क्रॉस लिंक्ड होती है तो वो काफी टाइट होती है उन दो चीजों को जैसे अगर आपकी दो अगर आप क्रॉस लिंक कर लोगे आपकी उंगलियों को तो आपकी मुठ्ठी को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है है ना तो और प्रॉपर स्टेबिलाईज फाइब्रिन मेशवर्क बन जाता है और इस मेशवर्क को हम क्या कहते हैं उसके बाद जो प्रोसेस होती है फाइब्रिनोलाइसिस उसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था ब्लड कोअर्कुलेशन का डेफिनेटिव हीमोस्टेसिस का आई होप आपको तीनों जो स्टेप्स होती है डेफिनेटिव हीमोस्टेसिस की वो सभी समझ में आ गई हो क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में भी पता चल गया हो एंड इफ यू अंडरस्टैंड लाइक शेयर थैंक यू